Hello everyone, today I'm going to explain exercise 1.1 of class 9th maths. So let's start. Aapko first question keh raha hai ki is 0 a rational number? Can you write it in the form p by upon q where p and q are integers? तो देखिए जो first question keh raha hai ki kya 0 rational number hai? तो अगर आपको ध्यान हो, अगर जब मैंने आपको ये अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं उन सब के नीचे में या इंटीजर्स होते हैं उनके नीचे में हम 1 लगा करके उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं. सेम अगर हम 0 के नीचे कोई नंबर लिखते हैं 1, या ये हमारे 0 के इक्वल होता है, यानी कि अगर हम 0 के नीचे 2 रखें, 0 के नीचे 3 रखें, 4, आप कोई भी एक्स वाई जेड नंबर लिखेंगे 0 के नीचे तो वो रिजल्ट 0 ही आएगा. और ये हमारा पी अपॉन क्यू का फॉर्म है. ये क्या हमारा ये पी अपॉन क्यू का फॉर्म है, यानी कि हम कहने का मतलब हम 0 को 0.2 भी लिख सकते हैं, 0 को 0.3 भी लिख सकते हैं, सेम 0 को 0.4 और ऐसे 0 को 0.10 भी ले सकते हैं हम. तो ये सब क्या है हमारे, ये रैशनल नंबर के फॉर्म है. तो इसका आपका आंसर होगा यस, कि इसको हम 0.0 रैशनल नंबर के फॉर्म में ले सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. अब ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि कोई भी रैशनल नंबर हो उसको फाइंड करने का, पहली बात तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें 0, 1, 2, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं. तो इसी तरह अगर जब 3.4 है तो 3.4 के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे. अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं. पहला टाइप जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/2 and 3/2 इस टाइप के क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन जब 4/5 और 6/7 जब डिनोमिनेटर सेम ना हो. तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है फिर तो ये हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. जैसे अब ये केस है, अब इस केस में हम क्या कर लेंगे कि हमारे इसको हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं एंड 4 को 4/1 लिख सकते हैं हम, ये हो गया. अब अगर ये कह रहा है कि 6 से रैशनल नंबर निकालना है तो इसमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 7, तो हो जाएगा 21/7 और ऐसे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो हो जाएगा 28/7 और इनके बीच के हम 6 रैशनल नंबर इजीली लिख सकते हैं. ध्यान रहे जितने रैशनल नंबर पूछा है उसमें एक ऐड करके आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी. तो ये तो एक बहुत इजी तरीका हो गया, कब, जब हमको डिनोमिनेटर सेम दे रखा हो. लेकिन कंडीशन ये होती है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो इस केस में हमारा जो सबसे पहला काम है वो ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. उसका तरीका क्या है कि हम इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम 35, तो यानी कि 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 6/7 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 28, 35. अब इसके बाद जितने आपसे रैशनल नंबर पूछा गया है उसमें आप एक ऐड करके इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे और उनके बीच के रैशनल नंबर लिख लोगे. तो इस तरह से आपको ये दो बात ध्यान रखना है, पहला कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है, दूसरा पहला कि डिनोमिनेटर इक्वल है, दूसरा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. अगर इक्वल है फिर तो आपको डायरेक्ट ये प्रोसेस यूज करना है, इक्वल नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ध्यान रहे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5. इसमें देखिए कि डिनोमिनेटर हमारा पहले से इक्वल है और 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3/5 में 1 ऐड कर दीजिए 6, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/30 और ऐसे ही 4/5 में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 24/30 और इसके बीच के 18 और 24 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप लिख लोगे, 19/30, 20/30, 21/30, 32/30 और 23/30. तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस, वो है ट्रू फॉल्स का. फॉर द फर्स्ट कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. जी हाँ, हमने पढ़ा है कि होल नंबर जो है वो हमारा
जीरो प्लस नेचुरल नंबर होता है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि होल की सारे हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर नेचुरल नंबर हो, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो पहले वाले का आंसर होगा ट्रू कि हाँ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -3 -2 -1, ये होल नंबर नहीं होते हैं, तो इसीलिए सेकेंड होगा आपका फॉल्स। थर्ड कह रहा है आपसे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1/2 हमारा रैशनल नंबर है, 3/2 हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर्स नहीं है। होल नंबर के लिए यानी कि 1 2 3 ये हमारे होल नंबर होते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स।